कभी बूंद बूंद पानी को तरसने वाली दिल्ली पर इंद्रदेव इस तरह मेहरबान हुए कि एक ही बारिश में दिल्ली के कई इलाकों की पोल खोल कर रख दी। इस दौरान देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली का दिल पानी पानी हो गया, सड़कें मानो दरिया में तब्दील हो गईं और लोगों को दिल्ली में ही समंदर के बीच का मनोरम दृश्य दिखाई देने लगा। एक पल को लगा कि ये दिल्ली नहीं शायद कोई और शहर है। छोटे मोटे इलाके तो छोड़िए जनाब, बारिश की वजह से पौश इलाकों में ही पानी भर गया। बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन इसी बारिश ने लोग सामने मुश्किलें खड़े कर दी। इस दौरान खास बात यह रही कि यह जलभराव सिर्फ सामान्य जगहों पर नहीं हुआ बल्कि वीवीआईपी इलाकों में भी देखने को मिला। अब इन्हें देख लीजिए, कहने को ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, दिल्ली के पौश इलाके लोधी स्टेट में इनका बंगला है, लेकिन बारिश ने यहां भी इस कदर कोहराम मचाया कि माननीय को अपने घर से निकलने के लिए लोगों का सहारा लेना पड़ा। दरअसल तस्वीरों में दिख रहे ये एसपी सांसद राम गोपाल यादव हैं, जो दिल्ली के वीवीआईपी इलाके लोधी स्टेट में रहते हैं, लेकिन शुक्रवार सुबह हुई बारिश की वजह से पूरा इलाके में पानी भर गया। आलम यह रहा कि लोगों को अपने घर से बाहर निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। माननीय सांसद महोदय को कहीं जाना था, लेकिन घर के बाहर इंद्रदेव की मेहरबानी से घुटनों तक पानी भरा हुआ था। अब क्या करें, नेताजी को तो जाना है तो जाना है, लिहाजा सांसद महोदय के आसपास रहने वाले लोगों ने नायाब तरीका खोज निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह दो लोग सांसद महोदय को अपनी गोद में उठाकर पानी के बीच उनकी गाड़ी तक पहुंचा रहे हैं, और इस दौरान सांसद महोदय भी पूरे माहौल के मजे ले रहे हैं, और हो भी क्यों ना, ये सांसद जो ठहरे। हालांकि इस दौरान सांसद महोदय ने इस परेशानी के लिए स्थानीय प्रशासन और एमसीडी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये समय पर चेत जाते तो शायद ऐसा न होता। जहां चोक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंदर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं, और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं, लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। लेकिन नेताजी को भी एक बात समझनी चाहिए कि जिस परेशानी से वो आज दो चार हो रहे हैं, लोग उसे रोज झेलते हैं, लेकिन इनके पास तो लोग हैं जो इन्हें कंधे पर क्या सर पर बैठाकर परेशानी से पार करा देंगे, लेकिन जनता को तो खुद ही पार होना होगा। लिहाजा अगर नेता और प्रशासन समय पर चेत जाते तो इस तरह लोगों के कंधे पर बैठकर सांसद महोदय को गाड़ी तक न पहुंचना पड़ता और न ही दिल्ली की सड़कें दरिया में तब्दील होती। तो अगली बार इस तरह की कोई तस्वीर दिख जाए तो एक बार जरूर सोचिएगा कि आखिर ये गलती किसकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।